बिंदास बातम्यांचं निर्भीड व्यासपीठ MH बिंदास। महत्त्वाची बातमी आहे तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील रिफायनरी कंपनीची कोकण रेल्वेशी चर्चा झालेली आहे। राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरात प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं आहे। दरम्यान या प्रकल्पाला कोकण रेल्वे मदत करण्यास सज्ज असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे। कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय गुप्ता यांनी तसे संकेतही दिले आहेत। रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड RRPCL कंपनीशी प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू होती, मात्र रिफायनरी प्रकल्प नक्की कुठे होणार याची पुढील दिशा ठरणार असल्याचं गुप्ता यांनी आज रत्नागिरीत आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं। आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी कोकण रेल्वेच्या सुरू असणाऱ्या विविध प्रकल्पासंदर्भात माहिती दिली। तर रिफायनरी प्रकल्पावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलं तापलेलं पाहायला मिळत आहे। स्थानिक या प्रकल्पाच्या विरोधात आक्रमक झाले आहेत। त्यात सरकारकडून हा प्रकल्प रेटण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत। हा प्रकल्प करताना सागरी मार्ग महत्त्वाचा ठरणार आहे, पण त्याचबरोबर रेल्वेची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे। आणि त्या दृष्टीने रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड RRPCLने पावलं उचलण्यास सुरुवातही केली आहे। कोकण रेल्वेशी तशी चर्चाही झाली होती आणि अशी चर्चा कंपनीशी झाल्याची माहिती कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय गुप्ता यांनी दिली आहे। मात्र हा प्रकल्प कुठे होईल हे निश्चित झाल्यानंतरच पुढील कारवाई होईल अशी माहिती गुप्ता यांनी आज दिली। MH बिंदासकरता प्रतिनिधी जमीर खलपे, रत्नागिरी। क्या है और 5,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट सेंटर की कमेटी के सामने गया है उसकी अभी पोजीशन क्या है? कोंकण रेलवे में अभी 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक है रुआ बी डबलिंग, इस पर कार्रवाई चल रही है। करीब 60% काम इसका पूरा हो गया है और अगले साल ये काम कम्प्लीट हो जाएगा। इसके साथ अगला कार जो है वो 10 और स्टेशन बनने का है, वो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अगले साल जून जुलाई अगस्त तक करीब करीब ये सबके सब स्टेशन कमीशन हो जाएंगे। और तीसरा काम जो है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन, पूरे इंटायर कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है दोनों एंड से, और ये कार में करीब अभी 1.5 साल 2 साल और लगेगा। इसके साथ साथ कोंकण रेलवे में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए एक 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अभी कैबिनेट में है और कैबिनेट के डिसीजन के बाद वो सैंक्शन होगा और उसके बाद उसके लिए हमें फाइनेंशियल क्लोजर करके उसके बाद उसकी एक्टिविटी करेंगे। उसमें 5 से 6 साल लग सकते हैं। उसमें क्या क्या प्रपोजल है 5,000 करोड़? उसमें उस 5,000 करोड़ में करीब 140-141 किलोमीटर की डबलिंग है और 18 नए स्टेशन है। इससे जो है कोंकण रेलवे की जो ट्रेन चलाने की कैपेसिटी है वो करीब 60-70% बढ़ जाएगी। तो चिपलूम करार का जो प्रपोजल था वो कहीं पे कम थम गया ऐसा दिख रहा है, क्या उसकी चिपलूम करार का प्रपोजल जो है कोंकण रेलवे ने पीपीपी मॉडल में करने की कोशिश करी थी और अब जो हमारे जो पीपीपी पार्टनर बनने के लिए जो लोग आए, जो कंपनी आई थी हमारे पास, उसको अब उसमें ये लगता है कि कोल का इम्पोर्ट बंद हो गया है और उसको रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए इस लाइन में उसको फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं दिख रही है। इसलिए बताया है कि भाई ये जो फाइनेंशियल मॉडल है जिसके अंडर ये काम होना था वो अब वायबल नहीं है। इसलिए ये तो कोई मॉडल चेंज हो या कोई और तरीका उसको फाइनेंसिंग का मॉडल निकले, तो इसलिए ये इसको कैसे किया जाए इसके बारे में भारत सरकार, रेलवे मिनिस्ट्री और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वार्ता चल रही है, कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ समाधान निकलेगा। ओके सर, थैंक यू। रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए कुछ सर्वे चल रहा है? रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए रिफाइनरी का प्रोजेक्ट तो फाइनल हो जाएगा तब। ऑलरेडी हमारी बातचीत नई कंपनी बनी थी उससे बातचीत हो रही थी, लेकिन अब वो रिफाइनरी जब फाइनली फाइनल होगा उसका कहाँ बनेगी उसके हिसाब